मन में एक ही सवाल रहता है कि ट्रेनिंग किस तरीके की होगी, ट्रेनिंग में क्या-क्या कवर होता है, ट्रेनिंग का कितना टाइम होता है, और ट्रेनिंग में क्या-क्या बताया जाता है और सिखाया जाता है। ठीक है, ट्रेनिंग में आपको बताया जाता है, प्रैक्टिकली काम करवाया जाता है और समझाया जाता है कि ये जो कार टेक्नोलॉजी का जो वे है, एक रास्ता होता है कि उसमें कैसे काम किया जाता है, कौन कौन सी दिक्कतें आ सकती है, तो उसका जो सॉल्यूशन कैसे करना होता है, वो सारा ट्रेनिंग के दौरान बताया जाता है। काफी सारे टॉपिक्स होते हैं ये जो कार टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, कि कितने सारे मॉड्यूल आते हैं कार में, वो सारे जो टॉपिक्स होते हैं वो सारा इस वीडियो में कवर किया गया है। मैंने वीडियो बना के ही रखा है, तो मैं अभी लास्ट में ऐड कर देता हूँ। तो ये जो हमारी ECM की ट्रेनिंग होगी वो 1 महीने की हो सकती है, 2 महीने की हो सकती है और 3 महीने की हो सकती है। वो बंदे पे डिपेंड होता है कि वो कितना कैच कर पाता है। जो फ्रेशर बंदे होते हैं हमारे, जिसने कभी काम ही नहीं किया, उसके लिए 3 महीने की हमारी ट्रेनिंग होती है। जो मैकेनिक है ऑलरेडी, और ये जो ऑटो इलेक्ट्रिक का काम कर रहे हैं, मेरे फेवरेट लोग है ये, तो उसको 2 महीने की जो ट्रेनिंग लगती है, और जो काम कर ही रहे हैं वीडियो देख देख के, तो उसके लिए 1 महीने की, 1.5 महीने की, हो सकता है 2 महीने की भी हो सकती है। वो उस पे डिपेंड होता है कि कितना टाइम उसमें लग सकता है। पर ये तो बोल ही सकता हूँ कि क्लियर होके ही जाते हैं। अब तक जितने भी बंदे मेरे पास ट्रेनिंग लेके जा चुके हैं और जितने भी ट्रेनिंग लेने आने वाले हैं, वादा करता हूँ कि क्लियर करके ही निकलेंगे आप लोग। ठीक है, क्योंकि मुझे मेरे पे इतना कॉन्फिडेंस है कि जितने लोगों को मैंने साथ दिया, क्लियर किया, उसके साथ काम किया, प्रैक्टिस की हम लोगों ने, तो एक घर जैसा रिश्ता बन के रह गया। और जितने भी गए वो क्लियर होके ही गए, और आने वाले भी जितने हैं मेरे पास ट्रेनिंग में, तो वो भी क्लियर होके ही जाने वाले, ये भी मुझे पता। तो ये जो टेक्नोलॉजी होती है उसपे हमारी 1 महीने की, 2 महीने की और 3 महीने की ट्रेनिंग रहती है। तो ये जो सारे टॉपिक होते हैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड, उसको हमें समझना होगा, उस पर काम करना होगा। देखते हैं, ये जो सारे पहले वीडियो देख लेते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर होने वाले हैं। आईसी शोल्डर डी शोल्डर पे भी हम सीखेंगे कि आईसी शोल्डर डी शोल्डर कैसे करनी है, और इस तरीके से इसको शोल्डर किया जाएगा, उसकी जो ट्रिक होती है वो ट्रिक बंदे को एक बार समझ में आ गई। मेरे पास जितने भी तैयार होके गए हैं, गर्व है मुझे मेरे पे कि आईसी शोल्डर करना उसको इतना अच्छे से समझा दिया, सिखा दिया शॉर्ट टाइम में, कि वो MCU जो होता है हमारा, आपको पता होगा MCU कैसा होता है, तो वो जो MCU होता है वो MCU शॉर्ट टाइम में शोल्डर आयरन खींच के आसानी से कर लेता है। बहुत मजा आता है जब मैं बंदे को ये सिखाता हूँ कि शोल्डरिंग पहले प्रैक्टिस करवा देते हैं हम लोग कि इस तरीके से इसको शोल्डर करना है, इस तरीके से डी शोल्डर करना है। एक बार समझा दिया, मान लो गजब का काम करके देते। ऐसा बोलो कि वो 5 बंदे को तो मैंने आंखें बंद करके आईसी पे शोल्डर करवाया, मजा आ गया कि ऐसे शोल्डर आयरन खींची। अरे भाई, कभी कभी ऐसा होता है कि बंदे पड़े हैं मार्केट में, और जो फ्रेशर होते हैं, हम जब काम कर रहे थे तब आईसी शोल्डर डी शोल्डर का काम कितना लोग कर ही नहीं पाते थे। आईसी सोल्डरिंग डी सोल्डरिंग का जो काम होता है उसमें प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी होती है, और प्रैक्टिस के बाद बंदे को ट्रिक जो होती है सोल्डर डी सोल्डर करने की, वो ट्रिक अगर पकड़ में आ गई, समझ में आ गई, तो शॉर्ट टाइम में कितनी भी छोटी लेग वाला MCU दे दो, बोर्ड दे दो, वो फटाक से 2 मिनट में करके दे देगा। वो ट्रिक जो होगी वो ही आपको सीखनी है, वो ही आपको समझनी है। वो ट्रिक मैं आपको बढ़िया से बढ़िया अच्छे
अच्छे से अच्छे समझा दूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे मेरे पे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैंने जितने बंदों को ये जो ट्रिक सिखाई, अरे भाई गजब, वो इतने खुश है कि जब भी उसके पास आईसी का काम आता है, कभी कभी क्या होता है कि कोई प्रोग्राम उसके पास नहीं होता तो हम लोग यहाँ से सजेस्ट करते हैं कि भाई आईसी चेंज कर दो, एमसीयू चेंज कर दो, या तो वो चेंज कर दो, अरे हाँ सर चलो अभी कर देता हूँ। तो एक क्या होता है कि उसके अंदर एक जो डर था वो डर निकल गया, ठीक है, वो डर निकल गया, तो चाहे वो 25,000 का ECM हो या 50,000 का BCM हो, वो बिना डर है, क्योंकि यहाँ जब ट्रेनिंग चलती है हमारे यहाँ तो हम लोग इसको पूरा क्लियरिटी के साथ, भाई इसमें आप डालना है, इसमें नहीं डालना है, ये काम कभी हाथ में मत लेना, फंस जाओगे, पूरी तैयारी हो अगर आपकी तो ही ये काम करना, वो सारा ट्रेनिंग के दौरान पूरा का पूरा क्लियरिटी से बताया होता है, ठीक है। तो क्या होता है, उसको पता चल गया होता है कि मुझे सर ने ऐसा बोला था कि मुझे ये काम नहीं करना, मुझे ये काम नहीं करना, ये काम करने में मुझे ये ध्यान रखना है। तो क्या होता है कि ये जो आईसी शोल्डरिंग डिसोल्डरिंग का काम होता है, आप इसको हल्के में मत लेना कि आईसी का शोल्डरिंग का काम होता है वो इजीली होता है, नहीं, अगर प्रैक्टिस से थ्योरिकल से ये काम नहीं किया जाए तो पूरा एमसीयू पूरा बोर्ड हमारा सारा खराब हो सकता है, ठीक है। तो वो काम हम बखूबी से, और ऐसा मैं बोलूं कि मास्टर तरीके से सिखाएंगे और समझाएंगे, ठीक है। तो आईसी शोल्डरिंग डिसोल्डरिंग का काम भी आपका हो जाएगा और वो भी आप आसानी से सीख लोगे, ठीक है। क्लस्टर मीटर की बात करें तो क्लस्टर मीटर मोस्ट इम्पोर्टेंट है कार में। कस्टमर जब भी गाड़ी में बैठता है तो पहले नज़र जाती है क्लस्टर पे, तो क्लस्टर पे कैसे काम किया जाएगा, उसको रिपेयर कैसे किया जाएगा, क्लस्टर पे ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं तो उसका सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा, और ऐसा मैं डीपली बोले तो उसमें जो फॉल्ट फाइंडिंग होते हैं, क्या क्या मोस्ट ऑफली प्रॉब्लम्स होते हैं मीटर पे, और शॉर्ट टाइम में उसका सॉल्यूशन कैसे किया जाता है, ऐसा बोले कि एक घंटे का काम है वो 5 मिनट में कैसे कवर करें, तो वो सारी जो ट्रिक होती है, हिडन सीक्रेट ट्रिक होती है, वो सारी ट्रिक हम ट्रेनिंग के दौरान समझेंगे और उसको अच्छे से एक सेटअप बनाएंगे, और वो सेटअप हम जब हमारे वर्कशॉप पे उसके अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है हम लोगों को, क्योंकि जो 2 महीने का जो हमारा कोर्स रहेगा उसमें क्लस्टर का काम, ECM का काम, वो तो मोस्टली मोस्ट इम्पोर्टेंट ही रहता है, तो उस पर हम ज़्यादा जोर देंगे काम करने में और सीखने में। तो प्रोग्रामिंग कैसे होगा, वो सारा आपका जो क्लस्टर मीटर का काम होता है, आप देखिए, आपने देखा होगा कितनी गाड़ियों में अलग अलग मॉडल के हिसाब से अलग अलग क्लस्टर मीटर आते हैं, ठीक है, तो उस पर हमें अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग ट्रिक से फॉल्ट फाइंडिंग करने होंगे, अलग अलग तरीके से उसका प्रोग्रामिंग होगा, वो सारा आपको ट्रेनिंग के दौरान बताया जाएगा, और प्रैक्टिकली और थियोरिकली दोनों आपको समझाए जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले जरूरी होता है कंपोनेंट चेकिंग टेस्टिंग, कंपोनेंट फॉल्ट फाइंडिंग। तो आप देख सकते हो कि ट्रेनिंग जब आपकी स्टार्ट होगी तब आपको कंपोनेंट के बारे में डिटेल से नॉलेज दिया जाएगा कि कंपोनेंट कैसे होते हैं बोर्ड पे और किस तरीके से इसका काम किया जाएगा, वो सारा नॉलेज आपको ट्रेनिंग के दौरान शॉर्ट टाइम में, हम इस पर टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि ये सारा अवेलेबल होता है मार्केट में और हमें थोड़ा बहुत तो नॉलेज भी होता है, पर वो बंदे पे डिपेंड होता है, अगर वो इतना मास्टर ब्लास्टर है, समझदार है, तो हो सकता है वो उसके पास, आप पाँच मेरे पास जितने भी बंदे आए हैं वो इतने टैलेंटेड आए हुए हैं अभी तक के, तो उसके पास आप 5 मिनट 10 मिनट बैठो तो वो सारा क्लियर हो जाता है उसका, उसमें इतना कंपोनेंट पे इतना डिग्री जाने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, स्टार्टिंग में कोई फ्रेशर बंदा है तो मैं समझ सकता हूँ कि इसमें थोड़ा टाइम लगता है, पर क्लियर हो जाता है, क्योंकि ये जो हमारे सारे ये बोर्ड आते हैं उसमें 10-15 टाइप के ही कंपोनेंट है, इतने कंपोनेंट ज़्यादा है नहीं, तो मैं जानता हूँ ये सब इसके बारे में कि जो कंपोनेंट है उसको समझना, पहली बात तो ये होती है कि ECM लाइन में कोई ना समझ बंदा तो एंटर होता ही नहीं, क्योंकि उससे पता होता है कि ये काम मेरे से हो पाएगा, तभी ये
एंटर होता है, ठीक है। तो ये जो कंपोनेंट है उसका जो नॉलेज होगा वो आपको सारा स्टार्टिंग में दिया जाएगा और आप अच्छे से सीख सकते हो। और हमारी कोशिश भी यही रहेगी कि आप कंपोनेंट पे जितना डीपली नॉलेज लो तो वो आपके लिए बेटर रहेगा, और हम उसको प्रैक्टिकली और थियोरिकली दोनों ट्रेनिंग में आपको करवाएंगे, और चेकिंग टेस्टिंग का भी काम होगा, तो आप आसानी से सारा कंपोनेंट कवर कर लोगे, ठीक है। हम कार सेगमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात करें तो ये जो हुंडई की सारी कार आती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम आती है हमारे ईपीएस मॉड्यूल में, ठीक है। और भी प्रॉब्लम्स तो आती ही है ईपीएस मॉड्यूल में, तो ईपीएस मॉड्यूल पे हम बात करें तो इस टाइप के हमारे ईपीएस मॉड्यूल रहेंगे अलग अलग कंपनी के, ठीक है। तो उसमें हमें फॉल्ट फाइंड कैसे करना होगा, ऑन टेबल इसको चेक कैसे किया जाएगा, ऑन टेबल उस पर वर्क कैसे किया जाता है, कैसे इसके पिन आउट निकाले जाते हैं, किसके कैसे इसके वोल्टेज चेक किए जाते हैं, और भी काफ़ी सारा है। ईपीएस हमारा प्रोग्रामिंग भी होता है तो प्रोग्रामिंग कैसे किया जाएगा, डेटा चेंजिंग का भी होता है इसमें तो डेटा कैसे चेंज करेंगे, वो भी सारा ईपीएस का जो होता है वो सारा आपका ट्रेनिंग के दौरान सारा कवर हो सकता है, ठीक है। और उस पर डीपली और बात करें तो ईपीएस जो होता है उसका जो पिन आउट होता है, फॉल्ट फाइंडिंग कैसे करना होगा, ईपीएस पे स्कैनर कैसे मारेंगे हम, और लाइव डेटा में जाके हम इसको चेक के टेस्ट कैसे करेंगे, वो सारा ये जो ईपीएस का काम होता है वो सारा आपको ट्रेनिंग के दौरान समझाया जाएगा और प्रैक्टिकली करवाया जाएगा। प्रैक्टिकली तो मोस्ट रहेगा ही, प्रैक्टिकल जब तक आप काम नहीं करोगे तब तक आपका कोई भी काम सक्सेस होने वाला नहीं है, ठीक है। अगर हम BCM के बारे में बात करें तो आप देख सकते हो कि इस टाइप के हमारे ये जो सारे BCM आएंगे, हर एक कार पे अलग अलग टाइप का BCM रहेगा, सेम तो होता नहीं है, ठीक है। तो वो BCM पे काम कैसे करना है, BCM क्या होता है, उसके अंदर कितने कितने पार्ट्स लगे होते हैं, कंपोनेंट कितने कितने लगे होते हैं, प्रोग्रामिंग कैसे होता है, इमो रिलेटेड वर्क होता है, ECM रिलेटेड BCM में वर्क होता है, BCM हमारा प्रोग्रामिंग करना पड़ता है, वो सारा आपको ट्रेनिंग जब हमारी चलती रहती है तो उसमें आपको BCM के बारे में सारा का सारा जो उसके पिन आउट होता है, उसका स्ट्रक्चर होता है, वो सारा आपको ट्रेनिंग के दौरान आपको सारा बताया जाएगा, ठीक है। फ्यूज की बात करें तो समझो फ्यूज कैसा होता है, 5 एम्पियर से लेके 50 एम्पियर 100 एम्पियर तक के जो हमारी कार में फ्यूज आता है। रिले की बात करें तो ये आप देख सकते हो ये सारे रिले कितने एम्पियर के होते हैं, कैसे इसके ओम्स चेक किए जाएंगे, कितनी वैल्यू का जो लोड होता है हमारे कार पे, जो एक्चुएटर जो हमारे होते हैं सारे, तो उसमें कौन कितने लोड पे कितना रिले लगाना चाहिए, वो सारा आपको ट्रेनिंग के दौरान फ्यूज रिलेटेड जो वर्क होगा हमारा, ऐसा समझो कि रिले रिलेटेड जो वर्क होगा, वायरिंग रिलेटेड जो वर्क होगा, वो सारा आपको फ्यूज कितने एम्पियर का लगाना चाहिए, अगर लोड होता है तो वो कैसे चेक किया जाएगा, वो सारा आपको प्रैक्टिकली और थियोरिकली सारा आपको समझाया जाएगा, ठीक है। दोस्तों सेंसर की बात करें तो सेंसर कैसे चेक किया जाएगा, सेंसर कितने टाइप के होते हैं, और सेंसर में वोल्टेज कैसे चेक किया जाएगा, और कार पे प्रैक्टिकली सेंसर कैसे वर्क करता है, ऑन टेबल सेंसर कैसे चेकिंग टेस्टिंग किया जाएगा, वो सारा आपको ये सेंसर जो होते हैं हमारी कार में वो सारा प्रैक्टिकली हम लोग प्रैक्टिकली पे ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि थ्योरिकली से ज़्यादा बेस्ट रहता है प्रैक्टिकल, ठीक है। तो प्रैक्टिकली जो सेंसर पे फॉल्ट आते हैं और जो एरर आती है, जो हार्डली एरर है, जो नॉर्मल एरर है उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल एरर तो हो सकती है कि हम कर ही लेंगे, पर हार्डली एरर है जिस पे, हार्डली एरर मतलब क्या होता है कि जो हार्डली एरर पे हम काम करते हैं ना तो उस पे चार्ज हम ज़्यादा ले सकते हैं। अब समझ सकते हो ना कि कोई कोई एरर ऐसी होती है जो 3,000 से 25,000 तक का जो चार्ज होता है वो हार्डली एरर पे कैसे काम करना है वो हमें सीखना होगा। जब तक वो हम नहीं सीख पाएंगे तो नॉर्मल तो ये जो क्रैंक सेंसर है, कैम सेंसर है, उसका तो हम नॉर्मली काम करते ही होते, पर जो हार्डली एरर पे जो ऑपरेशन करना होगा वो कैसे सीखना वो हम प्रैक्टिकली और थियोरिकली दोनों तरीके से इसको समझेंगे,
और प्रैक्टिकली काम करेंगे और प्रैक्टिकली काम करके ही हमें इसको सक्सेस होना, ठीक है। तो ये जो प्रैक्टिकली हम काम करेंगे वो प्रैक्टिकली हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये सेंसर का काम भी हमारे लिए करना मुश्किल होता है। पर जैसे जैसे हम थियोरिकल और प्रैक्टिकल दोनों काम करेंगे तो ये काम हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये जो सारे सेंसर लगे हुए होते हैं हमारी कार में उसका पूरा आपको नॉलेज दिया जाएगा और आप आसानी से आपके वर्कशॉप पे काम कर पाओगे, ठीक है। तो वायरिंग के बारे में भी सीखेंगे हम कि वायरिंग हार्नेस कैसी होती है, वो उसकी जो इंटरनल प्रोसेस होती है वायरिंग की वो किस टाइप की होती है, कहाँ कौन सी जगह पे कितने एमएम की तार लगी हुई होती है और वायरिंग में प्रॉब्लम क्या क्या होती है, इश्यू क्या क्या आते हैं। जैसे चूहे काट गए, पानी में कार डूब गई थी तो समझो कि पानी में जंग लगने की वजह से कभी कभी शॉर्ट सर्किट हो जाती है, या तो बॉडी पे टच होने पे वायरिंग कहाँ कहाँ शॉर्ट होती है, और ये जो वायरिंग होता है उसका हमारे पास काम आता है तो हम इसका शॉर्ट टाइम में बिना डैशबोर्ड खोले होता है, हो सकता है मैंने देखा है कि डैशबोर्ड भी खोलना पड़ता है। तो वो जो ट्रिक होती है वायरिंग की कि हम पूरे दिन का जो काम होता है वो हम 5 मिनट में या तो 5 मिनट से लेके आधे घंटे में इसको रिकवर कैसे करें वो हम सीखेंगे वायरिंग में, क्योंकि वायरिंग जो होता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। अगर वायरिंग के नॉलेज हमारे पास नहीं है तो हमारे लिए काम करना मुश्किल हो जाता है। तो वायरिंग भी सीखेंगे, उसका वायरिंग का डायग्राम कैसा होता है, वायरिंग चेक कैसे किया जाता है, उसकी कंटिन्यूटी कैसे चेक की जाएगी, और प्रैक्टिकली भी काम करेंगे और थियोरिकली भी काम करेंगे। हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि पहले थियोरिकल समझ लेते हैं, जो भी कार हमारे यहाँ प्रॉब्लम सॉल्यूशन का काम ऐसे होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम हम प्रैक्टिकली करते हैं। जब हमारे वर्कशॉप पे कार आती है तो प्रॉब्लम जो होता है उसको पहले हम ऑन टेबल समझते हैं, समझने के बाद हम जब कार पे जाते तो वो काम हम शॉर्ट टाइम में करके आ जाते हैं, ठीक है। तो हमें भी स्मार्ट वर्क करके ये काम करना है, तो स्मार्ट वर्क सीखेंगे हम और स्मार्ट वर्क करेंगे। तो वायरिंग में आपको वायरिंग का फंडामेंटल कैसा होता है, उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे किया जाता है, वायरिंग ट्रैकिंग कैसे की जाती है, वायरिंग के वोल्टेज कैसे चेक किए जाते हैं, वायरिंग ड्रॉप कैसे होता है, पावर ड्रॉप जो होता है हमारा वायरिंग का वो कैसे हम इसका सॉल्यूशन लाएंगे, वो सारा बैटरी का जो एम्पियर कैपेसिटी कितनी होती है और उसकी जो सप्लाई होती है वो एम्पियर कितने जाते हैं, कितने आउटपुट होता है, कितना इनपुट होता है, वो सारा का सारा जो होता है वायरिंग रिलेटेड, सेंसर वायरिंग रिलेटेड वर्क और इंटीरियर वायरिंग रिलेटेड वर्क जो होता है वो भी सारा हम कुछ इस ट्रेनिंग के दौरान समझेंगे, ठीक है। अगर इमोबिलाइजर की हम बात करें तो इमोबिलाइजर में अलग अलग टाइप की, अलग अलग कार में, अलग अलग कंपनी में अलग अलग टाइप के इमोबिलाइजर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इमोबिलाइजर पे कैसे वर्क किया जाएगा, इमोबिलाइजर कैसा होता है, कैसे इसकी प्रोग्रामिंग होती है, कैसे इसको चेक किया जाता है, क्योंकि कार स्टार्ट करने में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मेन रोल जो होता है वो इमोबिलाइजर का ही होता है, ठीक है। तो इमोबिलाइजर पे फॉल्ट फाइंड कैसे किया जाएगा, स्कैन करके फॉल्ट कैसे पता चलेगा हमें इमोबिलाइजर में दिक्कत है या नहीं है, वो सारा इमोबिलाइजर रिलेटेड जो वर्क होगा वो सारा आपको, जैसे आप अभी देख सकते हो कि इमोबिलाइजर पे कितने सारे इमोबिलाइजर है अवेलेबल है मार्केट में, तो उसके नए इमोबिलाइजर में प्रोग्रामिंग करना तो वो प्रोग्रामिंग कैसे की जाएगी, वो सारा आपको जो ऑफलाइन आपकी ट्रेनिंग होगी उसमें आपको प्रैक्टिकल और थियोरिकल दोनों तरीके से बताया जाएगा और काम भी करवाया जाएगा। अगर आपसे काम नहीं हो पा रहा तो वो काम आपको बार बार करना पड़ेगा, अगर आप वो काम नहीं कर पा रहे तो फिर से एक बार समझाएंगे आपको कि भाई इस तरीके से इसकी प्रोग्रामिंग होती है, क्योंकि आप यहाँ नहीं समझोगे तो वहाँ जाके आप काम करने वाले वो नहीं, आपसे हो पाएगा नहीं। तो इसलिए हमारा मेन जो फोकस होगा कि बार बार करने के बाद भी नहीं होता तो भी बंदे को ये करना ही पड़ेगा, जब तक वो प्रोग्रामिंग का काम नहीं सीख पाएगा तब तक वो अपने वर्कशॉप पे जाके कुछ काम होने वाला है नहीं से। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि बंदे को शॉर्ट टाइम में जल्दी से जल्दी इसको ये सारी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा दें, ठीक है।
तो इमोबिलाइजर का जो काम होगा वो इस तरीके का होगा, इतने सारे इमोबिलाइजर आपने देखे, तो इस तरीके से हम इमोबिलाइजर की ट्रेनिंग लेंगे और हमारे वर्कशॉप पे जाके अच्छे से काम सीखेंगे करेंगे। ठीक है, की बात करें तो प्रोग्राम जो हमारे केटेक आते हैं के साथ काफ़ी कंपनियों के सारे टूल्स हैं, ठीक है, तो प्रोग्रामिंग के बारे में भी हम चर्चा करते रहते हैं जब ट्रेनिंग हमारी चलती रहती है। तो प्रोग्रामिंग कैसे होगा, कौन से टूल से कौन सा काम होगा, कौन सा टूल अवेलेबल होता है, कौन से टूल पे अपडेट लेना पड़ता है, जब हम काम करते हैं तब हमें ये सब पता चलता है कि प्रैक्टिकली जब हम काम करते हैं ट्रेनिंग के दौरान तब कौन से टूल कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, कैसे उस पर काम करना होगा, कौन से डेटा इसमें चढ़ाने होते हैं, कौन सी फाइल इसमें सिलेक्ट करनी होती है, वो सारा ट्रेनिंग के दौरान सारा कवर हो जाता है। और जब हम स्टार्टिंग करते हैं काम की, जब हम फ्रेशर होते हैं या तो हमारा वर्कशॉप होता है, फिर हम ECM का काम सीख के जब हम काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो स्टार्टिंग में हमें कौन से टूल पहले इस्तेमाल करने होंगे, कौन सा काम पे हमें ये टूल काम आएगा, और कम बजट में, मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है भाई, कम बजट में कैसे हम इम्प्रूव हो, कम बजट में हम कैसे काम हमारा स्टार्ट करेंगे, वही सीखना है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ढाई ढाई 3-3 लाख का खर्चा करके ECM का छोटा मोटा काम आता है, छोटा मोटा सीखे होते हैं, और फिर जो हमारा माल होता है वो सारा अलमारी में पड़ा रहता है, काम कोई होता नहीं है, तो ये भी मैं जानता हूँ। आपको कम बजट में कम टूल में काम कैसे करना है स्टार्टिंग में, वो सारा आपको ट्रेनिंग में क्लियरिटी के साथ बताया जाएगा, और जितने भी बंदे हैं हमारे पास से क्लियर हो गए तो वो सारे खुश हैं, कम टूल में ही काम कर रहे हैं। मैं उसको सजेस्ट ही करता रहता हूँ, क्योंकि हम लोगों का मेन फोकस क्या होता है कि बंदा क्लियर होके कम बजट में उसका सेटअप तैयार करे और इन फ्यूचर में आगे बढ़े। हमारा मेन फोकस टूल बेचने में नहीं होता, क्योंकि वो एक साइड की बात होती है, पर हम कम बजट में ये हमारा स्टार्टअप कैसे करें वो ही हमारा मेन फोकस होता है। तो ये जो सारे टूल आपने देखे वो सारे टूल इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो टूल अगर आपके पास नहीं है तो कैसे काम किया जाएगा, उसका सॉल्यूशन भी जब हमारी ट्रेनिंग चलती रहेगी तो कम टूल में कौन टूल नहीं है तो हम कैसे जुगाड़ करके इसका काम कर लेंगे, वो सारा आपको ट्रेनिंग में बताया जाएगा। ठीक है, ECM सीख लेते हैं, BCM सीख लेते हैं, EPS सीख लेते हैं, मीटर भी सीख लेते हैं, सब सीख लेते हैं, पर कस्टमर से कैसे बात की जाती है, कैसे वो काम करना होता है, कौन सी एरर पे कितना चार्ज लेना होता है, वही नहीं सीख पाए ना पाए, तो ये ECM सीखा हुआ कुछ काम का ही नहीं है, ये भी मुझे पता है। तो मेन चीज क्या होगी कि मेन काम जो होता है मैनेजमेंट का, जो एरर आती है, चाहे वो आपकी छोटी वाली चाबी की क्यों ना हो, चाहे आपका क्लस्टर मीटर ही क्यों ना हो, चाहे आपकी ABSE क्यों ना हो, चाहे आपका BCM क्यों ना हो, अगर आपको उसको प्रॉपर तरीके से फॉल्ट फाइंड करना और फॉल्ट फाइंड करके जो एरर बनती है वो एरर पे कितना चार्ज लेना होता है वो ही आपको मेन सीखना है, वही आपको ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा कि कौन सी एरर पे कितना चार्ज लेना होता है, कैसे कस्टमर से बात की जाएगी, कितना टाइम लगता है, वो सारा सीखना होता है। और मैं आपको वादा करता हूं कि बहुत बढ़िया तरीके से सामने कस्टमर के पास भेजूंगा और आप काम करके आओ और उससे पूरी तरीके से बात करो, जो अंदर का डर होता है वो डर निकल जाएगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो प्रैक्टिस होती है वो इस तरीके से भी होती है कि मैनेजमेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कुछ भी काम आ जाए पर मैनेजमेंट नहीं आता तो हम फेल है। ठीक है, तो वो भी आपको ट्रेनिंग के दौरान सिखाया जाएगा, अच्छे से समझाया जाएगा किस तरीके से कस्टमर के साथ डील करनी होती है, किस तरीके से चार्ज लिया जाता है, किस तरीके से उसका टाइम टेबल जो फिक्स करना होता है कि भाई ये काम आपका 1 दिन में काम हो जाएगा, 2 दिन में होगा, या तो किस तरीके से उसका सॉल्यूशन लिया जाता है, वो सारा आपको ट्रेनिंग में क्लियरिटी के साथ समझाया जाता है। ठीक है,
तो ये आपकी मैनेजमेंट की भी एक ट्रेनिंग की एक हिस्सा ही हुआ, तो वो भी आपको क्लियर करवाया जाएगा और आप आसानी से सीख पाओगे। ठीक है।